सर ये जो चंद रोज पहले जो यहाँ का डीडीसी काउंसलर श्री मुश्ताक अहमद भट्ट साहब हैं, उनकी ओर से कुछ अभद्र भाषा का लैंग्वेज हमारे फार्मर एमएस श्री शक्तिराज परिहार जी के खिलाफ जो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था, उसी के अगेंस्ट आज यहाँ पे एक पुरमन लेकिन पुरजोर एहतजाज किया गया, क्योंकि जो इल्ज़ामात डीडीसी काउंसिल के मेंबर ने हमारे कायद इस खिते चनाब की आन बान और शान, मिलत की पहचान, तामीर और तरक्की की पहचान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है, उसी के मुतालिक आज यहाँ जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश था, उसी के मुतालिक आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। क्या कुछ उन्होंने जो है अभी रिसेंटली जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है या जैसे मीडिया में वो आए, उन्होंने कहा कि मैं मरम्मत के लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, मरम्मत की मैं चाहता हूँ कि मरम्मत के लोग जो हैं ज़्यादा उस टनल में जो है उस प्रोजेक्ट में लगे, तो क्या कुछ वो गलत है, वो गलत सोच है उनकी? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई बाहर का नहीं लगा हुआ है, जो भी यहाँ काम कर रहे हैं वो एस्टवेल डिस्ट्रिक्ट डोडा से ही कर रहे हैं, और जितनी भी यहाँ लेबर लगी हुई है वो लोकल यहाँ की है। आज की डेट में यहाँ 9 कॉन्ट्रैक्टर इस रिद्धि सिद्धि में काम कर रहे हैं, जो यहाँ कंपनी काम कर रही है उसमें 9 में 5 कॉन्ट्रैक्टर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पे एडजस्ट किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, आप वहाँ भी जाके स्पॉट पे चेक कीजिए, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। और जैसे कि देखा गया है कि डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट तो चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं जो मरम्मत के अंदर हैं, क्या वो पूरे किए गए हैं डीडीसी जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे काउंसलर हैं जीते हुए? सर अभी तो यहाँ चुनाव हुए मुझे लगता है 6 महीने हो गए हैं, तकरीबन 6 महीने का समय बीत चुका है, अभी तक जो यहाँ का काउंसलर है डीडीसी काउंसलर है वो एक भी काम हमें बताए कि मैंने एक काम खाली एक आधी इंच की पाइप भी आज तक किसी को दी है, वो ज़रा कहीं मीडिया में आके सोशल या प्रिंट मीडिया में आके हमें उसका जानकारी दी। पर अभी रोड की अगर बात की जाए, पहले भी सरकार बीजेपी की रही लेकिन मरम्मत की रोड की, और अभी जैसे काउंसलर के आए, लेकिन अभी तक रोड की जो हालात, हम डेली इस पे आते रहते हैं और अब अभी हम आए, रोड की बहुत हालत ख़राब है और एक्सीडेंट्स भी आए दिन आते हैं, तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सर रोड की जो हालत खस्ता हालत है, ये तो इस वक्त जो यहाँ का डीडीसी काउंसलर है ये होली सोली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता इस यहाँ जाके आपने देखा एक दिन पहले, आज लगता है मुझे एक हफ्ता पहले उन्होंने ये जितने भी पैराफिट्स बने हुए थे तो पूरा उन्होंने वहाँ से उसका वो डिसमेंटल का ड्राइव शुरू करा दिया, तो ये डीडीसी काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों ने उसको जनादेश दिया है, उसका दायित्व बनता है कि वो जाके इस रोड को ठीक कराए, लेकिन जब तक हमारे फार्मर एमएस श्री शक्तिराज परिहार जी सत्ता में थे इक्तदार में थे तो तब तो यहाँ रोड की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई। अगर अभी बात की जाए, आपने जैसे स्पीच में भी कहा कि उनकी लैंग्वेज जो है डीडीसी के जो यहाँ पे काउंसलर हैं उनकी लैंग्वेज सही नहीं है, क्या कुछ लैंग्वेज में उन्होंने क्या कुछ कहा था? सर लैंग्वेज में तो उनका तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो किया करते हैं, जैसे एक नारी कोई खड़ी है, हमारी माँ बहन कोई लड़की खड़ी है, तो वहाँ पे मुझे पर्सनली उन्होंने कहा है कि राजकुमार को तो आज रात को पेशाब निकल गया है, और वहाँ तो एक महफल थी, काफ़ी लोग वहाँ पे थे, और जो सरपंच यहाँ पे जीती हुई थी वहाँ पे उसको मुबारकबादी पे के अवसर पे उन्होंने कहा कि यहाँ राजकुमार को आज रात को पेशाब निकल गया और उसकी तंबी बिल्कुल भर गई है। तो एक कैंडिडेट एक पॉलिटिकल लीडर को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और इनने तो ये जो इलेक्शन है ये जो गुपकार है ये तो जात पात पे इन्हें पोलराइज करके इलेक्शन जीता, इनको तो उस टाइम इस्लाम खतरे में था, उस टाइम इनको 370 वापस लाना था मुश्ताक साहब ने,
35 ए को वापस लाना था, तो अभी तो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने आपको बोल दिया कि एक आधी इंच भी पाइप अभी तक यहाँ किसी को नहीं मिली, एक पाइप का एक आधी इंच पाइप भी किसी को यहाँ मौसूल नहीं हुई है। और अगर भारत मजदूर संघ की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने जो है, यूथ ने जो है ट्रस्ट किया उनके ऊपर और बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं भरे, तो कब तक उनको जो है जॉब्स मिलेंगी और होप है उनको कि उनको जो है प्रोजेक्ट में जगह मिलेगी? सर हमारे कायद की तरफ से ये सीधी सीधी हमें और हमें सीधी सीधी डायरेक्शन है कि मैक्सिमम जो है यहाँ के लोगों को ही तरजीह दी जाएगी, लोकल लोगों को यहाँ प्रायोरिटी, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, तो यहाँ दी जा रही है।